संगम नगरी प्रयागराज में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गला पर कई बार प्रहार कर महिला की हत्या की गई है। हत्या किए जाने का पूरा मामला दारागंज थाना क्षेत्र के बख्शी खुर्द मोहल्ले का है, जहां महिला की गला पर कई वार कर हत्या कर दी गई। महिला का शव उसके बेडरूम में मिला है। घर में महिला अकेली थी। उसका पति किसी काम से घर के बाहर निकला था। घर लौटकर आया तो पत्नी की खून से लथपथ लाश मिली। सूचना मिलते ही एसएसपी, एसपी सिटी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच आसपास के लोगों से पूछताछ की। आसिफ सिद्दीकी अपनी पत्नी सलमा सिद्दीकी के साथ रहते हैं। उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। फिलहाल पति पत्नी अकेले रहते थे। घर में अकेले महिला को पाकर अज्ञात लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस के अलावा एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, एसपी सिटी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या के पीछे क्या वजह थी यह स्पष्ट नहीं है। मृतिका के पति ने कहा कि किसी से कोई रंजिश नहीं है और न ही मृतिका के परिवार की ओर से किसी पर शक जताया गया है। फिलहाल इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायर की टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। स्थानीय पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने बताया कि बहुत जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, थाना दारागंज क्षेत्र में बख्शी खुर्द इलाका है। यहाँ पे लगभग 10:30 और 12 के बीच में, जैसा कि मृतका के पति द्वारा बताया गया कि इस बीच में वो नहीं थे घर पे, और एक जो इनकी पत्नी है उनका शव बिस्तर पे पाया गया है और गर्दन पे धारदार हथियार की इंजरी दिख रही है। शव को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी हत्या की गई है, और प्रकरण में अभी किसी से रंजिश की बात अभी तक तो नहीं इन्होंने बताई है। प्राप्त तहरीर के आधार पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इस घटना का सफल अनावरण और जो दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसको सामने से इनको चोट पहुंचाएगी जो सीधे गले पे वार हुआ है, तो क्या इसे लगता है कि वो जो भी हत्यारा है वो जानने वालों में से? देखिए, अभी इस पे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मैंने स्पष्ट आपको बताया कि अभी इनसे रंजिश के बारे में पता की गई, तो कोई स्पष्ट अभी नहीं बता पा रहे हैं। जैसा मैंने बताया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत करके इसमें घटना का सही अनावरण और जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में एक बार फिर बवाल हो गया है। SRN अस्पताल में तीमारदार और डॉक्टरों के बीच तो आए दिन मारपीट की घटनाएं जग जाहिर हैं, लेकिन इस बार अस्पताल में जूनियर डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन आपस में ही भिड़ गए। मामला यहां तक पहुंच गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें डायल 112 के सिपाही सहित कई लोग जख्मी भी हो गए। मारपीट में ट्रॉमा सेंटर के शीशे भी टूट गए हैं। कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। दोनों पक्षों में मारपीट की स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब ट्रॉमा सेंटर से एक जूनियर डॉक्टर अस्पताल परिसर में स्थित लैब में सैंपल की जांच कराने के लिए पहुंचा था। पहले जांच कराने और रिपोर्ट लेने के चक्कर में जूनियर डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के बीच विवाद आ गया। भीड़ ज्यादा होने पर लैब टेक्नीशियन ने कहा, रुक जाए, थोड़ी देर में करके दे रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर नहीं माने और दोनों में कहासुनी हो गई। जूनियर डॉक्टर ने लैब असिस्टेंट को पीट दिया। फिर कुछ देर बाद दर्जनों की संख्या में लैब टेक्नीशियन जुट गए और जूनियर डॉक्टर को खोजते हुए ट्रॉमा सेंटर गए और जूनियर डॉक्टर को पीट दिए। दोनों तरफ से मारपीट के दौरान कई लोगों को हल्की चोटें भी आई है। लैब टेक्नीशियन और जूनियर डॉक्टरों के बीच मारपीट से नाराज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए।
सूचना मिलते ही कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एसपी सिंह पहुंचकर डॉक्टरों को समझाने बुझाने लगे, लेकिन पुलिस और प्रधानाचार्य की बात जूनियर डॉक्टर मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस से भी जूनियर डॉक्टरों ने बदतमीजी से बात की। हालांकि स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एसपी सिंह का कहना है कि अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। आपसी विवाद में अस्पताल को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसे उपद्रवियों से वसूल किया जाएगा। साथ ही जूनियर डॉक्टर हो या फिर लेफ्ट इग्निशन, जो लोग भी घटना में शामिल हैं, दोषियों को ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अस्पताल में स्थिति सामान्य है, मरीजों का इलाज चल रहा है। कल जो घटना घटित हुई उसमें एक ईएमओ डॉक्टर थे, डॉक्टर सोनू सिंह, वो रिपोर्ट लेने गए पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ जहाँ पे जांच हो रही थी सेंटर पर। उसी समय रिपोर्ट देने के बाद को कि हमारी रिपोर्ट जल्दी दे दीजिए, तो उसी में आपस में एक टेक्नीशियन थे जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रोहित, तो उनसे विवाद हो गया। उसी बात पर विवाद हो गया कि रिपोर्ट जब आएगी तब दिया जाएगा, कुछ आपस में बातचीत हो गई। बातचीत लेके फिर उसमें दोनों में झगड़ा बढ़ गया और विवाद हो गया, तो उसमें थोड़ा मारपीट हो गई। इसके बाद मारपीट के बाद ये मामला प्रमुख अधीक्षक के पास पहुंचा, विभाग आते बस्ता मिश्रा के पहुँच पता, उनको समझा दिया गया, लेकिन वो लोग न समझते हुए पूरे अपने बैच के जो स्टूडेंट थे लैब टेक्नीशियन, पहले प्रथम और छात्राएँ सभी, तो पूरे सभी लोग ट्रामा सेंटर पहुंच गए। ट्रामा सेंटर में काफ़ी तोड़फोड़ किया, शीशे काफ़ी टूटे, वहाँ खिड़की दरवाजे के टूटे शीशे तोड़ दिए गए। इसके अलावा जो वहाँ पर ईएमओ के साथ हमारे रेजिडेंट, वहाँ बहुत से रेजिडेंट भी थे डॉक्टर, तो उनसे भी काफ़ी मारपीट किया। वहाँ मारपीट करने के बाद फिर दोनों तरफ से फिर स्टूडेंट भी दूसरे तरफ से कुछ स्टूडेंट, कुछ जूनियर डॉक्टर आ गए, तो आपस में काफ़ी विवाद पड़ गया। इसको देखते हुए तत्काल पुलिस फोर्स आ गई थी, एडीएम सिटी आ गए, और सभी हम लोग, हमारे विभाग के सभी लोगों ने आके आपस में सब लोगों से बातचीत किया गया। बातचीत के दौरान में जो पता चला कि गलती थी, तो उसमें एक कमेटी बना दी गई है बी के पांडे का अध्यक्षता में, जो ट्रामा के नोडल है, प्रोफेसर सर्जरी है, इसके साथ साथ प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अजय सक्सेना और डॉक्टर रीना माइक्रोबायोलॉजी हटाता डिपार्टमेंट और प्रसन्न देता, इन्होंने एक साथ बच्चे वहाँ जाके तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, और वहाँ कार्यरत जो भी डॉक्टर थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, उनको काफ़ी चोटें आई। उसको देखते उनको एक महीने के लिए उनको क्लास से सस्पेंड कर दिया गया। सर कितने बच्चों को सस्पेंड किया? लगभग पूरा बैच, क्योंकि उन्होंने पूरा का बैच, जैसा कि लोगों ने, सभी लोगों ने बताया या फुटेज, वीडियो फुटेज में जो भी आया सामने, उसको देखते हुए लगभग काफ़ी स्टूडेंट थे, उन्होंने मारपीट किया, तोड़फोड़ किया, उनको सभी को एक महीने सस्पेंड कर दिया गया। और कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि आप एक एक को देख के जैसे उसको एविडेंस कलेक्ट कीजिए और देखिए किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, किसकी कितनी गलती है, दोनों पक्ष जहाँ जिसकी भी गलती हो उसकी पूरा रिपोर्ट दें, रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी, माना भी वसूला जाएगा। और वो सरकारी संपत्ति थी, तोड़फोड़ हुई है, अब आपस में ये बात आई, अभी FIR इसलिए नहीं किया गया है कि पहले जांच हो जाए, जांच के बाद सरकारी संपत्ति के क्या नुकसान कितना पहुंचा उसका आकलन किया जाएगा, इसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कैसे वसूली किया जाए।